ऑडी ने आज अपनी Q5 को लॉन्च कर दिया, देखने में कैसी है यह भी बात करेंगे और समझेंगे इसकी प्राइसिंग कितनी जस्टिफाइड करती है कार के लिए, वो भी तब जब यह कार इंडिया में ही असेंबल की गई हो। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इंडिया SUV पर फिदा है और ऐसे हालात में SUV पर सबकी निगाह भी ज़्यादा बनी रहती है। मेरे चैनल पर ऑडी को अच्छे से कवर किया गया है और उसकी कारों पर आप सब लोगों ने बहुत प्यार भी बसाया है, तभी लाखों की तादाद में व्यूज़ भी आए हैं ऑडी की कारों पर। अब मैं बात करता हूँ Q5 की। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ऑडी का लगता है वह है Q5 का लुक। यह एक्चुअल में काफ़ी कुछ सिमिलर टू Q7 होने की वजह से, वैसे ही स्लीक बैक डिजाइन होने की वजह से इंडियंस को ज़्यादा पसंद आती है। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टिपिकल LED हेडलाइट यूनिट्स मिलती हैं प्रोजेक्टर के साथ में, ऊपर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है, वही टिपिकल स्टाइल कंप्लीट ऑडी स्टाइल आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है और नीचे फॉग लैम्प के ऑप्शंस दे रखे गए हैं कॉर्नरिंग के साथ में। सामने ही आपको एक नीचे सीट प्लेट दे रखी गई जिसकी वजह से कार का लुक काफ़ी क्लासी लगता है और मॉडर्न भी लगता है। वहीं टिपिकल यूरोपियन झलक भी दिखती है क्रीजेस में, जहां बिल्कुल शार्क स्लीक क्रीजेस भी आपको देखने को मिलती है, यानी फ्रंट से देखने में कार रियली बहुत गुड लुकिंग लगती है। वहीं साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको 19-inch के 5-spoke alloy wheels देखने को मिलते हैं जो देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं और यही वजह है कि साइड प्रोफाइल पे भी कार काफ़ी गुड लुकिंग लगती है देखने में। अब अगर मैं आपसे बात करूं इस कार के शोल्डर लाइन की तो वह शोल्डर लाइन काफ़ी शानदार है, देखने में अच्छी लग रही है, ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है और इसकी वजह से कार काफ़ी माचो आपको फील भी कराएगी। कुछ कुछ यह क्रॉसओवर जैसा लुक लेके आती है, कंप्लीट बॉक्सी SUV जैसा फील नहीं लेके आती है। रियर प्रोफाइल में यह कार बिल्कुल अलग दिखती है, वहाँ पर आपको टिपिकल शार्क फिन एंटीना, छोटा सा स्पॉइलर जैसा फील कराता है, डिफॉगर मौजूद है, वाइपर भी मौजूद है, टेल लाइट फ्रंट लाइटों से काफ़ी डिफरेंट है। यह टिपिकल जो लंबे समय से ऑडी का डिजाइन रहा है Q7 Q5 के साथ में, बिल्कुल वैसे ही लग रही है, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं। नीचे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है और ठीक नीचे आपको सीट प्लेट मिलती है। पीछे से देखने में मुझे कुछ पुरानी वाली कार की याद दिला रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा यूनिकनेस कम दिख रहा है, हालांकि साइड से और फ्रंट से देखने में मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आई है। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है वह है पॉपअप डिज़ाइन का MMI इंटरफेस इनका, जिसमें कि तो आपको 10-inch की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो काफ़ी शानदार है। आपको कंप्लीट डिजिटल कॉकपिट एक्सपीरियंस भी आपको इस कार के साथ मिल जाता है जो इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। डुअल टोन ब्लैक एंड बीज टोन फिनिश में आपको इंटीरियर मिल जाता है, हालांकि उसमें एक और ऑप्शन भी आता है, वह भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के साथ में, स्पेसियस लेआउट काफ़ी अच्छा और काफ़ी लोग इसे पसंद भी करेंगे। सीट्स की बात की जाए लेदराइट सीट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं और इनकी बोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो जहाँ से सीट बोरो हुई हैं उस हिसाब से मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। रियर सीट की बात की जाए तो रियर में आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग दे रखी गई है, लेकिन वह दो लोगों के लिए पर्याप्त है, तीसरे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी और उसकी सीट उठी हुई होने की वजह से कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद है। सेफ्टी को लेकर भी आपको प्रॉपर सीट बेल्ट दे रखी गई है, तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट भी मौजूद है, यानी उसकी कोई दिक्कत आपको कतई इसमें फील नहीं होगी और आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिलती ही है। इंजन है 2 लीटर TFSI इंजन, ऑलरेडी हम ऑक्टाविया RS में देख चुके हैं, 6.3 सेकेंड में 100 की स्पीड पकड़ लेता है। अब इस इंजन की ट्यूनिंग और इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पर, वो भी तब जब आपने इंडिया में ही असेंबल किया हो कार, वहाँ पर इसकी प्राइसिंग मुझे थोड़ा निराश करती है। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 59 लाख रुपीज से लेकर 64 लाख रुपीज तक, यानी 58,93,000 एक्सोरूम प्राइस है प्रीमियम प्लस मॉडल की, और दूसरा जो वेरिएंट है टेक्नोलॉजी उसकी प्राइस है 63,77,000 रुपीज। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यह चुभता है क्योंकि यह प्राइस कुछ अपर साइड पे चली गई है,
हालांकि बैंग एंड ऑलिफ्सन के म्यूजिक सिस्टम्स बहुत बेहतरीन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसे ही नहीं उसे पसंद करता हूँ, उसका रीजन ये है कि वहाँ प्योरिटी दिखती है। 8 एयरबैग हर चीज़ें एक कॉस्ट करते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही असेंबल किया हो तो यह ज़्यादा लगती है। मेरी नज़र में इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होनी चाहिए थी 49,99,000 रुपीज से, जो कि 53 लाख से नीचे का एक सॉफ्ट बैरियर है लोगों को यह बताने के लिए कि हमारी कार 50 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, और इसके टॉप एंड वेरियंट की कीमत होनी चाहिए थी 55 लाख या 58 लाख, जो आपके लोअर वेरियंट की कीमत है उससे तक, बस उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी मुझे यह कार टोटल लेके कहूँ तो 8 लाख रुपीज़ एक्सपेंसिव लग रही है जो यह प्राइस दी गई है। आपकी राय क्या है मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइएगा क्या आप ऑडी Q5 को प्रेफर करेंगे, वो भी इस प्राइसिंग पर, जबकि आपको ऑलरेडी X3 और मर्सिडीज GLC के ऑप्शन अवेलेबल हों, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच, फंकी और अच्छे ड्राइविंग सेटअप के साथ आती हैं। लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वह भी बताइएगा, और आप इस प्राइसिंग से कितने खुश कितने निराश हैं वह भी अपनी राय शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिएगा। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसी ही किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।